अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसे भाषमी और यह है टोयोटा विट्स 2011 मॉडल। ये टोयोटा विट्स की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2006 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2011 तक कंटिन्यू किया गया था। 2011 में इस गाड़ी की थर्ड जनरेशन आ गई थी और इस गाड़ी ने भी अपनी मार्केट वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है वर्ल्ड वाइड और इवन पाकिस्तान में भी। एक तो ये गाड़ी हैचबैक है तो ये फैमिलीज के लिए काफ़ी फेवरेबल है, प्लस इस गाड़ी का इंजन 1000 cc है तो ये फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर भी अच्छी है। इस गाड़ी में 3 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1000 cc, 1300 cc और 1500 cc। 1000 cc गाड़ी में स्पीडोमीटर आता है सिर्फ, 1300 में RPM भी आता है और 1500 cc गाड़ी TRD वाली आती है जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयर है। कुछ गाड़ियां हैं लेकिन कम ही नज़र आती हैं। खैर, पाकिस्तान में भी इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके अलावा ये गाड़ी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी ज़रा अच्छी गाड़ी है क्योंकि एक तो इसको मनूवर करना आसान है, बस इस गाड़ी की जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ईजी है पाकिस्तान में। Overall, it's a great car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये विट सेकेंड जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि मेरे ओपिनियन में अच्छा है और ये काफ़ी यू नो स्टाइलिश था है। ये गाड़ी 2006 में लॉन्च की गई थी लेकिन स्टिल मॉडर्न टाइम्स के लिहाज से ये गाड़ी अभी भी कहीं से ऑब्सोलीट नहीं लगती। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो इस गाड़ी की हेडलाइट में सिंगल ही पॉइंट आता है बीम और लो दोनों के लिए और इसमें नीचे ये पार्किंग दी गई है और ऊपर इसमें यह इंडिकेटर दिया गया है और बाकी इसमें फॉग नहीं आती। इस गाड़ी के जो बड़े वेरिएंट्स हैं उनमें फॉग भी दी गई है। इस गाड़ी में एक माइनर फेसलिफ्ट आया था जिसमें ये स्ट्रिप्स ऐड कर दी गई थी बम्पर के अंदर, पहले ये स्ट्रिप्स नहीं आती थी इस गाड़ी में। और बोनट भी इस गाड़ी का काफ़ी छोटा सा है, इसका बम्पर ऊपर यहाँ तक आता है, अगर आप इसका बोनट खोलें तो ये देखने में काफ़ी छोटा सा है। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक मेरी ओपिनियन में अच्छा है, स्टाइलिश है, थोड़ा फंकी सा है और यंगस्टर्स पर फोकस्ड है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की अच्छी है। ये बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई खास डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की गई, ये बिल्कुल एक लाइट सी रेक्ट लाइन दी गई है इसमें जो कि फ्रंट फेंडर से रियर फेंडर से कंटिन्यू करती है और इसमें डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में आते हैं जबकि इसके जो बड़े वेरिएंट्स हैं उनमें डोर हैंडल्स क्रोम की फिनिश में दिए गए होते हैं। और इसके साइड मिरर्स भी काफ़ी फीचर अच्छे हैं इस तरह से कि ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी, प्लस इसके अंदर इंडिकेटर्स भी आते हैं साइड्स पर। और इस गाड़ी में विड्स में सेकेंड जनरेशन के अंदर क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की रेड लुक की तो ये इस गाड़ी का रेड लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में ठीक है और ये कहीं से भी अभी भी ऑब्सोलीट नहीं लगता। अगर बात की जाए इस गाड़ी के टेल लाइट्स की तो ये टेल लाइट्स इस गाड़ी की फेसलिफ्ट में आई थी। इसके ये रनिंग वाला एरिया है, रनिंग लाइट वाला, ऊपर ये ब्रेक दी गई है इसकी फ्लावर शेप में, इंडिकेटर और रिवर्स लैंप, और ये टेल लाइट इसकी फेसलिफ्ट में आई थी जिसमें ये इंडिकेटर और रिवर्स प्रोनाउंस कर दिए गए थे थोड़े। बाकी इसमें नीचे बम्पर में ये जो फ्रिल्स हैं ये भी फेसलिफ्ट में आई थी, पहले ये नहीं आती थी। बाकी इस गाड़ी की ट्रंक जो कि काफ़ी नॉर्मल सी है, ऊपर इस गाड़ी में कोई स्पॉइलर नहीं आता जो कि बड़े वर्जन में आता है और उसके अलावा इसका रियर ग्लास प्राइवेसी मिरर के साथ आता है और उसमें एक रेडमिट शीट वाइपर भी आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी की मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है। बैक पर यहाँ पर एक बड़ा बैग और दो छोटे बैग आराम से आ सकते हैं और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर एक ये लैंप भी आता है। इस गाड़ी की रियर बेंचेस को फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। ये बेंचेस फोल्ड हो जाती हैं जिससे इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी इस हद तक खुली हो जाती है। आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। आप इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर भी विड्स का काफ़ी मीडियोकर सा है, ये बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें कोई ज़्यादा फ्रिल्स वगैरह यूज़ नहीं की गई और क्योंकि ये एक एंट्री लेवल हैचबैक है तो इसमें लग्जरी ज़्यादा फोकस नहीं होती, फ्यूल इकोनॉमी फोकस होती है जो कि प्रीमियम मटेरियल से ख़राब हो जाती है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें सारा प्लास्टिक दिया गया है और उसके अलावा इस गाड़ी में अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3-spoke है जो कि बिल्कुल बेसिक सा है। इस गाड़ी में एक चीज़ अच्छी है वो ये कि इसमें एयर बैग्स 8 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। और विड्स के अंदर जो मीटर है वो लेफ्ट पे आता है और इसके ड्राइवर के सामने जो एरिया है यहाँ पे एक ये ड्रॉट दी गई है जो कि थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ है गाड़ियों के अंदर। इस गाड़ी में जो स्पीडोमीटर दिया गया है वो लेफ्ट पे दिया गया है सेंटर में, और क्योंकि इस गाड़ी का 1000 cc वेरिएंट है तो इस गाड़ी के मीटर के अंदर सिर्फ स्पीडोमीटर आता है। इस गाड़ी का जो 1300 cc वर्जन होता है उसमें स्पीडोमीटर के साथ RPM भी आता है और 1500 cc गाड़ी का मीटर थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी इस गाड़ी में टोटल 4 एयर वेंट्स आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में, और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इस गाड़ी का 7 इंचेस का मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि जैपनीज में है और इसका यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है।
इसमें सीडी प्लेयर भी आता है और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का टाइमर कंट्रोल दिया गया है जो कि इस गाड़ी में मैनुअल है। इस गाड़ी के बड़े वर्जन के अंदर टाइमर कंट्रोल ऑटोमेटिक भी आता है। यहाँ पे उसका डिस्प्ले दिया गया होता है, इसमें यहाँ पे मैनुअल मोड एडजस्टर दिया गया है। बाकी इस गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्टोरेज पॉकेट्स आती हैं, राइट पे, नीचे, यहाँ पर, इवन ये इसके ग्लव कंपार्टमेंट भी दो दिए गए हैं, एक ये ऊपर और एक यहाँ पर नीचे। इस गाड़ी में स्पीकर टोटल चार आते हैं, दो डोर्स में और दो ट्वीटर्स। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सिगरेट आउटलेट आता है और उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे एक ये स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है और उससे पीछे ये इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर इस गाड़ी में बिल्कुल बेसिक है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और बी। बी मीन ब्रेकिंग। आप ब्रेकिंग पर ला के गाड़ी को गाड़ी की ब्रेकिंग कर सकते हैं इंजन के थ्रू। उससे पीछे यहाँ पे इसके ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। इस गाड़ी के बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे फीचर्स आते हैं। उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है ट्रेडिशनल और इस गाड़ी में ये सेंटर कंसोल लगा हुआ है। विड्स के अंदर यूजुअली सेंटर कंसोल नहीं आता, यूजुअली क्या किसी के अंदर नहीं आता। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये इस गाड़ी की सीट्स हैं जो कि फैब्रिक के फिनिश में हैं और ये भी काफ़ी बेसिक सी हैं। इसमें कोई लेदर वगैरह यूज़ नहीं किया गया। इस गाड़ी के बड़े वर्जन के अंदर लेदर आता है और यही फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। अगेन इस गाड़ी का क्योंकि छोटा वर्जन है तो इसमें कि क्रोम वगैरह भी यूज़ नहीं किया गया डोर हैंडल्स के अंदर, ये भी बेसिक से हैं। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर गाइड सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है और बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं। और जो इसका इसकी प्लेसमेंट है विंडोज़ लॉकर एंड लॉकर की, वो काफ़ी ऊपर है। अब अगर ड्राइवर यहाँ बैठा है तो उसको विंडोज़ खोलने के लिए यहाँ पहुँचना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आपका शीशा खुला हुआ है और बारिश हो रही है तो पानी भी इसके अंदर डायरेक्ट जाएगा। रेंज रोवर के अंदर भी ये फ्लॉ था और शायद इस गाड़ी में भी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़े। उसके आगे ये डोर लॉकर एंड लॉकर दिया गया है, ये इस गाड़ी का विंडोज़ लॉकर एंड लॉकर दिया गया है और उसके साइड पे यहाँ पे ये इस गाड़ी के डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए इस गाड़ी के साइड मिरर्स को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस और इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं यहीं से। प्लस इस गाड़ी के अंदर फोटो ग्लास भी आते हैं और उसके अलावा यहाँ पे इस गाड़ी के हेडलाइट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप इस गाड़ी के हेडलाइट्स को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। और ये एक ब्लैंक स्विच दिया गया है। इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पे पुश स्टार्ट आता है। इस गाड़ी में क्योंकि पुश स्टार्ट नहीं दिया गया तो ये वाला एरिया ब्लैंक है और इस गाड़ी में ये फिजिकल की आती है जिसको इंसर्ट करके आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में हाइड्रोलिकली एडजस्टेबल आती है। आप इस गाड़ी की सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा फीचर है और ये यूजुअली बड़ी गाड़ियों में ही आता होता है और इस गाड़ी में भी दिया गया है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बैक पे यहाँ पे दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी कम है। तीन लोग यहाँ बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। और उसके अलावा इस गाड़ी में फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है तो थर्ड पर्सन बैठ सकता है। बाकी मेरे पास गाड़ी के अंदर लेग रूम ठीक है, सफिशिएंट है। ड्राइवर की सीट एक नॉर्मल सीटिंग पोस्टर के ऊपर है और मेरे पास अभी भी यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, तो मेरे ख्याल से इसका लेग रूम का कोई इशू नहीं होगा किसी को भी। हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी सफिशिएंट है क्योंकि हैचबैक कार है तो इसकी छत काफ़ी ऊपर है। बाकी बैक पे इसके जो रियर बेंचेस हैं ये फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। एक चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर अच्छी है वो ये है कि इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए भी एयर बैग्स आते हैं। इस गाड़ी में टोटल 8 एयर बैग्स हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड के अंदर, दो सीट्स के साइड पर और 4 पिलर्स में, जो कि इवन मार्क एक्स में भी 3 आते हैं, रिवो, फॉर्चूनर, पाकिस्तान में 3 एयर बैग्स आती हैं, जबकि इस गाड़ी में विड्थ में 8 दिए गए हैं। जापानी गाड़ियों की क्वालिटी और उसके अलावा बैग पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 1000 cc आता है। इसमें 3 इंजन साइज ऑफर होते हैं विड्स में, 1000 cc, 1300 cc और 1500 cc। 1500 cc गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आती है और वो गाड़ी कंपैरेटिवली इस गाड़ी से तो बहुत तेज़ है। ये इंजन 1KRFE है जो कि 70 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि ठीक है बॉडी साइज के लिहाज से, शायद ही आपको थोड़ा सा अंडर पावर फील हो कभी। प्लस 1000 cc होने की वजह से इस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस तरह से कि इस बॉडी के लिहाज से थोड़ा सा अंडर पावर है। ये इंजन इनलाइन 3 सिलेंडर है और 3 सिलेंडर होने की वजह से इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन और नॉइज़ का इशू भी आता है, जो कि मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। फर्स्ट जनरेशन विड्स के अंदर इंजन 4 सिलेंडर आता था, सेकंड जनरेशन से इसमें ये इंजन 3 सिलेंडर का दिया गया और अब थर्ड जनरेशन के अंदर भी यही इंजन आता है 1KRFE, जिसकी वजह से इस गाड़ी में थोड़ा सा वाइब्रेशन वाला इशू फील होता है आपको। गाड़ी अगर आइडल खड़ी हो स्टार्ट पर तो ये गाड़ी काफ़ी वाइब्रेट करती है। और ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है और उसके अलावा ये इंजन आपको विद इन सिटी 15-16 तक की एवरेज आराम से दे सकता है,
जो कि ठीक है इस बड़ी साइज के लिहाज से, लेकिन इतनी ही एवरेज आपको 1300 सी गाड़ियाँ भी दे देती हैं अगर आप उनको आराम से चलाएं तो। ये गाड़ी क्योंकि हैचबैक है तो पाकिस्तान में फैमिलीज के लिए ये मैन्यूवर करना और इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है, कन्वीनियंट है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू भी पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज जो इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है वो 185, 65 और 14। रिम्स इस गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड 14 इंच के ही आते हैं, लेकिन वो स्टील रिम्स होते हैं। इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड हैं। छोटे वर्जन में विड्स में स्टील रिम आता है और बड़े वर्जन में अलॉय व्हील्स आते हैं। और टायर साइज जो आता है कंपनी से स्टैंडर्ड वो है 175, 65 और 14। इस गाड़ी में 185 इंस्टॉल्ड हैं, तो ये इस गाड़ी की लुक में 1 ऐड कर रहे हैं। ये था आज का रिव्यू टोयोटा विड्स 2011 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपने ख्याल रखिएगा। थैंक यू।